यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट। I'm your host Anushe, and you are watching me on TBH on Nashpati Prime. यहाँ पे एक होस्ट होते थे, but obviously we thought it's best to not have him any longer because we need professionals on board. thank you. You know, Tabish is good. I agree. But the way he's become viral, you know, making fun of people, उनको फंसा दिया, उनसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछे, अपने दिल के अंदर से, you know, ये जो कल के बच्चे हैं भड़ास अपनी जो निकाल रहे हैं, हाँ वो बैठ के आजकल यू नो टेलीविजन पे और ऑनलाइन आके वेब पे आके इतने वायरल हो गए, और हम जो 50 साल से काम कर रहे हैं, यू नो 50 साल से जो काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आई शुड टेक ओवर एंड वी डिसाइडेड विद द डायरेक्टर, सो आई एम हियर नाउ एंड आई एम गोइंग टू बी हियर फॉर द टाइम बीइंग एंड वी गोना इंटरव्यू टुडे माय फर्स्ट गेस्ट ऑन द शो। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ताबिश हाशमी। 500 rupees per head. Anusha, welcome to the show. 500 rupees per head. Welcome to the show. Thank you. Host karunga. Well, ladies and gentlemen, the most authentic VJ this country has ever seen. Oh, thank you. Put your hands together for Anusha Shah. How are you? मुझे लोगों ने पूछा आप नर्वस तो नहीं हो रही हैं, मुझे क्यों क्या करता है वो? आयशा उमर जिस तरह पूरी कॉम का क्रश है, आप भी। Thank you. But that's not the truth. है हमसे पूछ, मेरे दिल की आवाज। मैं आपका क्रश हूँ, बस मेरे लिए काफी है। मैंने कॉम इसलिए कह देता हूँ ताकि कोई नाराज ना हो जाए, यार अपनी बात करो। और फिर वाइफ भी नाराज नहीं होती मेरी इस तरह से। अच्छा, यू मैरिड? आई एम विद टू किड्स। दो बच्चों के बाप हैं आप? जी 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 जी। और फिर ऐसी चीजें करते हैं वायरल होने के लिए? ये जो वीजिंग है, वीडियो जॉकिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जी, ये क्यों? ये क्यों है या क्यों नहीं है? क्यों चूज किया ये काम? मैंने नहीं चूज किया, इस काम ने मुझे चूज कर लिया था। आई थिंक आप जा रही थी? मैं जा रही थी, आवाज दी और किसी ने कहा कि ये लगता है आपके लिए काम निकला है, मैं कहा चला जाती हूं, तो इसी वजह से। म्यूजिक इंडस्ट्री का आपने यहाँ पर वो देखा है, ज़ेनिथ देखी है, जो ऊपर तक पहुंचा है, म्यूजिक इंडस्ट्री टॉप पे थी इस वक्त, एकदम से गायब हो गई म्यूजिक इंडस्ट्री। क्या क्या नोट किया, क्या हुआ? हर नए लीडर और हर नए उसके साथ वी चेंज आवर वैल्यूज आल्सो। हां ये मुशर्रफ थे तो पार्टी हो रही थी, पार्टी हो रही है, वो चले गए, मैं पार्टी मैम हो गई है। उसकी मार्केटिंग यहां नहीं करें, वो अपना कर रही है ना खुद, इतना अच्छा उनसे पहले काफी अच्छा। हां हम भी वही कर ले। तुम भी जल रहे हो? जल नहीं रहा मैं, जल रहे हो भाई। मैं इतना मेहनत करके इतना कंटेंट, एक एक दिन में 3-4 एपिसोड रिकॉर्ड करा रहा हूँ यार, एक एक 5-5 सेकंड में कोई मशहूर हो जाए तो हटेगी। तो आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है जी? कहाँ कहाँ गई? वीजे बताएं। बहुत सारे, आई हैवंट काउंटेड, लेकिन घूमते रहती हूँ। कराची घूमी? कराची घूमी। चनेसर घोट का है? चनेसर घोट। हिंट मतलब कोई वाइल्ड गेस। तुम्हारी खिड़की से अगर देखें बाहर तो नहीं नजर आएगा। अच्छा नहीं नजर आएगा? मेरे इलाके से तो बहुत दूर तक नजर नहीं आता, मैं बहुत खतरनाक इलाके में रहता हूं। कहां रहते हैं आप? एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहता हूं मैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ? हां, वहां पे वो है ना, एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब काफी अच्छी एस्टेब्लिश की दुकान है एस्टेब्लिश। कोई ऐसा मुल्क जहां मतलब कहती हैं अगर पाकिस्तान में ना रही तो वहां रहूंगी? पाकिस्तान में अगर नहीं रही तो आई रियली वांटेड टू Maybe move to Sweden. Sweden was very nice. Yeah, Sweden was very nice. Scandinavia जाएंगी direct. Scandinavia directly. हाँ, क्योंकि वहाँ पे adventure, outdoor, sports and nature का बड़ा scene है. लेकिन ठंड बड़ी होती है. Bangladesh के बारे में? Bangladesh में मेरी family रह चुकी है, भाई. Pre-partition my family was in Bangladesh. तो आप दोबारा जाने का नहीं सोचा कि कुछ छोड़कर तो नहीं आए वहाँ पर? Some relatives there, जब भी वहाँ पे हैं. हम एक बड़ी ईरानी community Bangladesh में अभी भी रहती है. अरे वाह। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरी है कोई? ट्रैवल स्टोरी? ट्रैवल स्टोरीज तो बहुत है। एक दे मजे की। मजे की जिससे आई रेटिंग? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि हम स्वीडन में ही थे आयरोनिकली, और मुझे कहीं होटल नहीं मिल रहा था स्टॉकहोम में। सही है। एक रात सुबह के 3 मैं अपना तकिया लेके अपनी बहन के साथ रो रही थी लिटरली, एंड आई वाज सिटिंग ऑन द फुटपाथ एंड आई एम लाइक वेयर आर वी गोना स्लीप ऑल द टकिया। आप कहां ले आई तकिया? कहां से आया तकिया? गाड़ी में था, हम आ रहे थे नौवे से वापस, तकिया लेके होटल का चला लिया, क्योंकि गाड़ी में तकिया रहता है। आप सोच क्या क्या 500 rupees है? अच्छा ज्यादा है। आई गिव यू 1000। ज्यादा है? आई एम बाइंग योर ऑडियो, खरीद लिया
उसमें ये हुआ कि मुझे कोई जगह सोने के लिए नहीं मिल रही थी, तो आई वेंट एंड सैट नियर द बीच, एंड वहां पे एक जेंटलमैन थे, उनका एक बोट था, तो उन्होंने कहा बोट पे रह जाए. रीजन में दो रात एक्चुअली वी स्पेंट ऑन द बोट. कड़क करो कड़क करो. वो कहां रहे फिर? वो पता नहीं कहीं थे, दूसरे बोट पे होंगे उनके. तो इतने सारे थ्री बोट थी उस बंदे के पास. हाँ हाँ, वो सारी एक सही है. ठीक है, इसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं था. सॉरी. हाँ मैं ठीक नहीं था बिल्कुल. लेकिन मुझे अभी तक तकिए का समझ नहीं. अच्छा, माहिरा खान, आयशा उमर, उर्वा, ये सब वीजेस के बाद एक्टर बन गई. आपने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, क्यों? दे नहीं रहा वो यार. हस्बैंड ने मुझे प्रोजेक्ट ही नहीं दिया. ही कैप्ट प्रॉमिसिंग मी सेइंग फिल्म कराऊंगा, ड्रामा कराऊंगा, एंड आई एम स्टिल सिटिंग. ये एक प्रॉब्लम है उनके साथ, आसरे बहुत देते हैं. आसरे बहुत. आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी व्हेन आई एम. मुझे एक्टिंग का इतना कोई वो है नहीं, जबकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो कभी कभी लगता है कर लेती यार. हाँ. मजा आता. क्लियर क्लैरिटी आ नहीं पाई जवाब में कि करना है नहीं करना, कुछ पता नहीं चला. जवाब भी दिमाग में करना है लेकिन दिल में नहीं करना. दिमाग वेरी गुड वेरी गुड. अभी भी क्लैरिटी नहीं आई, मगर डायलॉग भारी था. नहीं, दिमाग में करना है बिकॉज यू फील लाइक ड्रामा है, और ड्रामा अगर आप एक कर लें ताबिश के साथ तो आप ओवरनाइट बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं. मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, एक मेरे पास तुम हो, दो यहाँ थप्पड़ खा लूं गिर जाऊं, एंड पीपल आर लाइक अनुशे 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 चाहिए अनुशे चाहिए. हां सही है. फिर दिल में लगता है कि नहीं यार मुझे म्यूजिक चलाना है, थप्पड़ नहीं खाना. अगर कोई आपसे बोले यार अनुशे 25-30 लाख पर डे मिल रहा है ड्रामा पहले तो कोई बोल दे. मैं बोलवा दूं. अभी बोलो. अभी बोलो. पहले बुलवाए तो. खैर खैर, खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा है. नहीं, आई एम नॉट गोना डू इट. बस यहां तक लाना था, यहां तक लाना. नहीं, आई एम बस ठीक. इसमें एक्सप्लेन करने में तो फंस जाते हैं लोग. मैं कहता भी मत बोलना. 50 लाख रुपए में भी आई डोंट वांट टू डू हिज प्रोजेक्ट्स. डू यू फील लाइक कि आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी में डिटेरिएशन आई है, या यू थिंक इट इज एज यू आर एज पॉपुलर एज यू वर इन 2000s? Yeah, I think I've managed to maintain it. Okay. So there's not been phenomenal growth, like a drama project overnight does it. It makes you a star, okay. Or it makes you like, you know, like viral videos, जैसे कि पार्टी हो रही है, जिससे आप देख के इतना जलते हैं, लेकिन आप जलता नहीं हूँ मैं. देखिए वो उस मैं उस लड़के की अचीवमेंट वापस नहीं लेना चाहता. उसको अवार्ड मिले, निशाने पाकिस्तान मिले, कुछ मिले, कुछ भी मिले. पाकिस्तान मिलने की जरूरत नहीं. मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि यार मेहनत के बाद हम नहीं हिट होते, मगर 5-5 सेकंड कुछ भी हिट हो सकता है. 500 दे रहे हैं, 700 देंगे तो वायरल कर देते हैं. ये मुझे नहीं करते ना वायरल, मेरे शो के क्लिप्स वायरल कर देते. मैं नहीं आ रहा, मेरे जवाब नहीं आ रहे. मथीरा का तो मैंने भी देखा था. और फिर जब कोई फेक बन रहा होता है फिर मुझे मजा आता है खेलने का. अच्छा, जब वो ओरिजिनल बन रही थी मैंने कहा चलो भाई आप ही करो. She was very good, mashallah, and she said some good things on the show. इसी तरह के सवाल हमने भी रखे हैं, आप भी अच्छी चीजें कहें. अच्छा, मैं मथीरा नहीं हूँ यार, I wish मेरी हिम्मत होती. नहीं, आप नहीं. आप कोई ऐसा गाना जो बहुत ही क्रिंजी हो. हाँ. है पुराने जमाने चीजी सा हो. हाँ. मगर आपको पसंद हो. पुराने गाने में बनी के गाने मुझे पसंद थे. बनी, क्रिंजी, आंखों का इशारा है ना, असर भाई भी थे उसमें. साइड पे डांस कर रहे थे. क्रिंजी गाने तो मेरे ख्याल से देयर वाज सो मेनी. जैसे घूंघट की आड़ से दिल भर का, वो तो इंडियन नहीं था. तो क्या हुआ, गाना तो था. तो फिर तो एक और भी था, वो फेक हवा में एक चुम्मा मैं कैच कर लूं. ये मुइन खान से पूछना चाहिए था. यू आर लाइक व्हाट इज दिस सॉन्ग, बट दिल ही दिल में सबके ना अंदर यक्की टिक्की. एक हवा में एक चुम्मा मैं कैच कर लूं. यानी ये जिगल नहीं कर सकते, इनको वन चुम्मा एट अ टाइम ही हैंडल कर सकते हैं. कोई होता एक हवा में चुम्मे में कैच कर लूं, ये नहीं था. एक चुम्मा MOQ बता दिया, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितने. I was just talking about the cringy song. I didn't know कि एक दो छह. मैं तो मेरा काम ही है, ये सवाल तो ऐसी हैं, वो ही वाले जो हर शो पे पूछ रहे हैं. हर शो पे. हाँ. वो पूछ लूंगा तो फिर वही हो जाएगा. ये वही हो जाएगा. मुझे भी टीवी पे चांस मिल जाएगा फिर. ये भी सही है. मुझे यहीं रहना है. हाँ. नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ. आपको शायद यहीं रहना है, because now I think you want to be on the web. Do you want to be on TV? पता नहीं, मैं कुछ जवाब नहीं. और अगर आपको वो 50 लाख रुपए दें तो आप कर लेंगे कोई भी शो? खलील भाई. खलील भाई तो. हाँ. मैं नहीं करूँगा. आप नहीं करेंगे? जो चीज प्रिंसिपली अग्री नहीं करता नहीं करूंगा. आप फिक्र नहीं करना, ये चला दे. यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड शनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट. सुना है आपको एनिमल से प्यार है. जी जी. तो मैं कोई ऐसा नहीं पूछ रहा कि आप क्या करेंगे जानवरों के लिए. मैं ये पूछूंगा, अगर जानवर बोल सकते हैं, शक्ति बोल तो अभी बोलते भी तो अभी भी हैं, लेकिन हमारी तरह बोल सकते हैं. हाँ. तो सबसे रूट जानवर कौन सा होता? सबसे रूट जानवर होते वो छोटे कुत्ते, जो छोटे वाले छोटे छोटे साइज के. तेज तेज चल रहे होते मगर जा नहीं रहे होते. तेज तेज चल रहे होते सब कुछ चीखते हैं, उनको अपने साइज का अंदाजा नहीं होता.
हाँ, और वो सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं प्रोसेस। वो क्या बोल रहे होते हैं आपसे? वो कुछ बोलते भी नहीं, वो आपकी शलवार खींच रहे होते हैं। बाय द वे दे एक्चुअली पुल शलवार, दे बाइट योर हैंड। एंड मेरी जो छोटी है घर में, और मैंने ये नोटिस किया, मेरे जो दोस्त आते हैं तो देखती है, और जिसको जैसे रिएक्ट करती है ना, वो बंदा ऐसी हो तो आप उसको अर्जी का लेके जाया करें, बताओ कैसा है, बताओ कैसा है, बताओ। रिश्ते में अगर रिश्ता लेने जा रहे हैं कुत्ता को लेके, बेटा इधर चेक करते हैं, कौन बोला? किसी और को पता था ये? सूरी फैंस बैठे आपके, मेरे 500 लेके आपके फैन। लुका, इटालियन नाम है मैंने। आजकल जो है ना, आज मैंने खबर पढ़ी है कि सिंध में अब वो कुत्ता मार, कलिंग जो होती है उनको मारते होते हैं, तो वो आज से उन्होंने लॉन्च कर दी है। नहीं, आई हैव हर्ड कि उसके अगेंस्ट एक केस भी ऑन हो गया है, तो वो उसको कल नहीं करेंगे, गोली नहीं मारेंगे, पॉइजन नहीं देंगे, लेकिन उनको स्टेरलाइज जरूर करेंगे, उनके एंटी रेबीज और वैक्सीनेशन का सारा सीन होगा। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बिकॉज इतने सारे लोग आपका शो देखते हैं, कि अगर आपके मोहल्ले में कुत्तों का प्रॉब्लम है, तो कराची में तो एटलीस्ट देयर इज इंडस हॉस्पिटल, जो उनको आप सिर्फ फ़ोन करें, और वो आपके घर में, आपके मोहल्ले में आके उन कुत्तों को उठा के, उनका ऑपरेशन करवा के, उनको वैक्सीनेट करके वापस छोड़ देंगे। और फिर एक जो जंगली कुत्ता या बिल्ली सड़क पे होते हैं, उनकी ज़िंदगी 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं होती, वो वैसे भी कुछ खा पी के लड़ा के बीमार होकर मर जाते हैं। जब तक उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी, दिस इज़ दी ओनली ह्यूमेन वे टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन, क्योंकि जहर देना is a very it's a very bad process. I've seen a dog जिसको जहर दिया गया था, कुछ 4-5 दिन तक जिस तरीके से वो मरा है और हम उसको बचा नहीं पाए थे, it was not a nice thing. जबकि of course human lives are more important. Yes. इसमें कोई comparison, I don't know why people think that. Thank you. Very well explained. Yeah. वरना लोग सिर्फ दर्द बताते हैं, comparison, right? कि बच्चे मार दिए तो उनको मारते, let's not compare. बच्चे जाहिर सी बात है ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से उनको भी मारना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अक्सर ही होता है बाइक पे आप किसी के जा रहे हो, मैं तो एक ज़माने में गरीब भी रहा हूँ, तो बाइक तो साइकिल पे जा रहा हूँ, कुत्ते पीछे लगे। मैं कभी गरीब नहीं रही, तो आई डोंट नो दिस एक्सपीरियंस। हाँ, ये होता है। चलिए, तो कैसे कैसे क्या होता था आपके पास? एसी नहीं होता था, या गरीब थे तो क्या 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 चावल सिर्फ दाल के? क्या क्या गरीब रह चुका हूँ बाइक पे? क्या फॉर्मर गरीब हूँ मैं, फॉर्मर एक्स गरीब। एक्स गरीब, अच्छा। वो ये वायरल होने के बाद ना क्या पजेरो बाहर? अब मैं गरीब तो हूँ, नंबर प्लेट बगैर, मगर ये क्योंकि ये शो वाले जो कपड़े वपड़े पहना देते हैं ना, तो लुक आ गई है, एक लुक आ गया। अच्छा, और अच्छा, आप लोगों के साथ बैठ के थोड़े इंग्लिश के चार लफ्ज आ गए, वरना हमारा क्या था? मीरा जी ने मुझसे असवर मुझे कहना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग बात खोल लो कैमरे। She met me somewhere and she's like, Nushid Rana, I was like, जी। She's like, तुम मुझे वो ट्यूशन दे दोगे इंग्लिश? Tuesdays और Thursdays। So sweet। I'm honored। Honored। और आप दें? नहीं। आपने दे दिया? I was laughing because I was like, मजाक कर रही है मेरी जज्बातों के साथ। यार उनके साथ ये बड़ा मसला है, पता नहीं चलता मजाक कब कर रही हैं और कभी भी नहीं कर रही। मुझे ट्यूशन चाहिए और मैंने करना है। वो सबसे इंग्लिश सीख रही है, सबसे। अच्छा, अब यासर हुसैन भी जानती है? कहाँ से लाऊं इतना टैलेंट? मैं भी ढूंढ ही रही हूँ कहाँ से लाऊं, क्या करूँ। 10 साल में एक दफा आता है सटर्न बार। 9.5 साल हो चुके हैं, वक्त आ चुका है। अच्छा, यासिर हुसैन के साथ आपकी कंट्रोवर्सी, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ जी। क्या है वो कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी ये थी कि देखें, आई लाइक यासिर। यहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करूँगी, डिप्लोमेटिक भी नहीं हो रही, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई लाइक यासिर एंड वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स इन द पास्ट, बट व्हेन ही सेड समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कचरा, बाहर का कचरा, सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि आई वाज लाइक, यू आर एन आर्टिस्ट, तो वो बुरा काम भी कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक यू शुड कॉल अ फेलो आर्टिस्ट कचरा। तो उसने कहा, तुमने पब्लिकली क्यों लिखा? तो मैंने कहा, क्योंकि तुमने पब्लिकली कहा, सो आई थिंक वन हैड टू करेक्ट यू पब्लिकली फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट सिंस यू आर अ पब्लिक फिगर, यू शुड वॉच व्हाट यू से समटाइम्स। तो ही इज लाइक, बट मैं हूँ जो मैं हूँ, एंड आई एम लाइक, ठीक है, तो मैं भी हूँ जो मैं हूँ। तो मैंने लिख दिया कि यार, लेट्स नॉट कॉल एनी आर्टिस्ट कचरा, बिकॉज यू नो आई डोंट थिंक कि दैट्स अ नाइस वे। नहीं है ही नहीं, अगर आपको किसी का काम ही नहीं पसंद तो आप कह दें, इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। लेकिन मैंने भी उसको इग्नोर नहीं किया, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको क्यों वो होता है, एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मुझे भी क्यों वो होता है। तो ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी थी, और फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी फ्लेयर अप हो गई कि अनुष ने उसको लेक्चर दिया, फिर उसने आगे से कहा कि तुमने ऐसी चीज़ें की हैं फॉर मोर फॉलोअर्स,
So that's when it really hurt me. वो बोलेंगे अभी। I'm in the business very long, and if I needed more followers, I didn't need to put Yasser down. I would have taken selfies with Aisha Omar at party. Of all the people, Yasser Hussain कह रहे हैं कि तुम मशहूर होने के लिए। And I would have taken some videos with Humayun Saeed. So I was like, हाँ Yasser, या पहले TBH में आ जाती। हाँ पहले TBH में आ जाती, या फिर असवर को बोलती कि यार ये तुम 500 रुपए दे रहे हो, मुझसे 2000 ले लो, मुझे तीन दफा बुला लो इस सीजन में वायरल होने के लिए। So that hurt me because I felt like he thinks that everybody says things to, जैसे अभी नौशीन शाह के साथ भी हुआ था, तो उसने कहा कि मेरी बीवी को ना लाएं थोड़े से पॉपुलैरिटी के लिए। ये तो गलत। So I'll be like, yeah, we don't use you guys for popularity. ये थोड़ा सा, I think उसके दिमाग में ये था कि my friends are using me to get more social media time. So that made me upset because I was like, you know, you actually don't respect artists because you think that of your friends also. So उसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, but other than that, I mean, I really like him. अच्छा तो काफी कुछ है. He's a good person. He speaks about animal rights, human rights, and वो he lives life on his terms. सही है, ठीक है. वो सारी चीजें वो करता है. Netflix देखती है? जी. या Amazon देखती है? Netflix. क्या देख रही है आजकल? आजकल मैं देख रही हूँ डार्क, जर्मन सीरीज है, एंड इट्स वेरी नाइस। लेकिन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो अगर हम बनाएंगे तो पता नहीं कैसे बनेगा, तो ये भी डर है। डबिंग के साथ देख रही है सबटाइटल्स? नहीं, मैं सबटाइटल्स, मुझे पढ़ने का भी शौक है साथ साथ। वो सबटाइटल्स पढ़ के ना ऊपर का सीन मिस हो रहा होता है, वो हाथी नहीं, कोई गंदी बात नहीं, यार ये देख ऊपर का सीन में सो रहा होता है जब नीचे डबिंग हो रही होती है। अब उसने ना इतना जर्मनी जर्मन में इतना सी लाइन बोली, तर्जुमा इतना बड़ा लिखा आ गया, अर्तुरुल के जितने बुरे थे वो कहता है कि मेरे नेफ्यू से बात ना करना, नीचे लिखा हुआ है डोंट टॉक टू माय नीस, बट ही इज टॉकिंग अबाउट हिज नेफ्यू। मुश्किल सवाल ही, कई बार आपने सुना होगा, अक्सर होता है ना, रिश्तेदार पूछते होते हैं, बेटा शादी कब होगी? मेरे रिश्तेदार नहीं पूछते, थैंक गॉड। ये अच्छी बात है, चले फिर आगे चलते हैं। क्योंकि अब पता है क्या हो रहा है, आई थिंक सो मेनी मैरिजेस आर नॉट लास्टिंग, दैट आई थिंक दे आर हैप्पी टू सी अ सिंगल एंड हैप्पी देन बी इन अ मैरिज एंड अनहैप्पी। तो आई थिंक वो सब अब वो थोड़ा सा सवाल दब चुके हैं। हाँ, शादी की पूरी वाला सवाल थोड़ा सा दब गया, लेकिन कोई पूछे तो पूछे ना। आई रियली वॉन्ट, चलो पूछो। ये अच्छा है, पहली बार किसी खातून ने कहा ये पूछे पूछे कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, मैं ये नहीं पूछूंगा, आपके बचपन से काम कर रही हूँ। ये मैं नहीं पूछूंगा क्यों नहीं हुई, मैं ये पूछूंगा करेंगी या नहीं। हाँ इंशाल्लाह करूंगी, लेकिन जब और तब, जब when I feel like this is okay। जब भी करेंगी ना ऐसा लगेगा 2 साल पहले करेंगी, पता नहीं। अभी तो सबा कमर की शादी होने वाली है बस, इंशाल्लाह इतना पता है। और आज मैंने उनके हस्बैंड टू बी को भी देख लिया, वो काफी अपसेट थे भाई शादी पे। He's made a video about some people said something or the other. तो उसने एक counteract किया था। I was like, oh dear, it's becoming one of those. अच्छा, शादी का जो सिलसिला है ये इसलिए नहीं हुई कि आपने, आप interested ही नहीं है अभी, you are like more focused on your career, या आप को कोई सही टकरा नहीं? So I almost got married a few years ago, and then I didn't, and now then I regretted it. Now I'm happy that I didn't. Now when I feel like it, I will look again. तो जब तक अभी खुश हूँ तो खुश हूँ। कुछ पता नहीं चला, समझ में नहीं आ रही कि मेरी कभी शादी होगी। अच्छा, क्या चाहती है हस्बैंड, किस फील्ड से हो, अगर हो किसी भी फील्ड से, जैसा भी हो, बस आई शुड जेन्युइनली लाइक हिम एंड गेट अलोंग विद हिम। अगर कोई ऐसा हो, दहशतगर्द हो, ठीक है, तो उससे बात करेंगे ना कि क्यों हो, छोड़ दो उसकी फील्ड, खत्म करा देंगे, फौरन चेंज कर देंगे, फिर जब वो चेंज हो गया बोलेंगे तुम कितना बदल चुके हो। चेंज नहीं करें किसी पर्सनैलिटी, आप क्यों चेंज करें, ये क्या बात हुई, हम लोग वुमेन राइट की बात कर रहे हैं और आप अपने मियां की पर्सनैलिटी चेंज करा रहे हैं। दहशतगर्दी तो खत्म कर दो, आवारागर्दी मत करो। अरे वो ऐसी पानी की बंदूक से छीनता है मासूम, फिर उसका उसके सिर्फ एक्टिंग के नंबर है, उसके पास होती पानी की बंदूक है, मगर वो उसको इस्तेमाल नहीं। रिक्वायरमेंट्स अजीब सी है, मेरी रिक्वायरमेंट्स सिर्फ इतनी है दैट आई शुड जेन्युइनली लाइक द पर्सन। या अजीब सी तो नहीं, मुझे कोई एज नहीं पता, आई डोंट केयर इफ ही स्मोक्स और डजंट, आई डोंट केयर इफ ही शिया और सुन्नी, आई डोंट केयर इफ ही जिंदा हो। हाँ, वैसे मैंने अपने आप को छोटा भेज दिया, आई लुक लाइक आई मैरी एनीबॉडी, वो भी नहीं है। नो, एज इन लाइक आई डोंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस। If a person is a good person and if I think we get along, then we're home. कोई price range decide किया? Price range, हाँ। आपकी वो कमाता कितना हो? At least.
ऐसा कुछ नहीं यार, माशाल्लाह मियां ने बहुत इज्जत दी, खुद ही कमा लिया है. आई वांट टू लिव ऑन माय ओन टर्म्स. आई हैव सपोर्टेड माय सेल्फ फॉर मेनी इयर्स. आई कैन सपोर्ट माय सेल्फ फॉर द नेक्स्ट मेनी इयर्स आल्सो. सो कमाने से मुझे इतना हो रही है. ये वाली ख्वाहिशें नहीं रहती इंजीनियर भी हो. आई विश सम टाइम्स, जब मैं लोगों के बड़े बड़े घर देखती हूँ, आई विश आई लाइट पीपल फॉर देयर मनी. हाँ. कभी जहाज में बैठा अभी मैं आ रहा पाकिस्तान आ रहा तो जैसे करते हैं कितने पैसे बना लिए. You know, and I have never been to Canada. देखा आपने इतना दूर है. नहीं मतलब कि मैं महसूस नहीं होने देता मैं बाहर से. और मैं वहीं रहता हूँ, सिर्फ 10-12 दिन के लिए आया हूँ, आता हूँ और फिर चला जाता हूँ. Do you have a Canadian passport? Almost. Almost. यार टाइम पूरा कर लिया. Almost passport है. PR मैंने अपने पासपोर्ट पे नीला कवर चढ़ाया है. Complex. वो नहीं वो स्कूल की किताबों पे कवर चढ़ाते थे. लोग यही समझे. नीला कवर चढ़ा लेता हूँ. तो हमने अभी इतना अच्छा सवाल आ रहा था वो बुला दिया आपने. अच्छा कोई बात नहीं, कोई और सवाल पूछ ले. हाँ जहाज से आ रहा था. जहाज से आ रहा था और जहाज में ना जैसे ही वो होता है ना कि आप ले ओवर के बाद वाली फ्लाइट डायरेक्ट ही कराची जा रही है अब जी, उसमें सब बैठते क्या कह रहे होते हैं, अबे बस आ गए ना पाकिस्तानी. हर कोई यही कह जा रहा है, सारे पाकिस्तानी एक दूसरे को कह रहे हैं पाकिस्तान की फ्लाइट में तो यही होगा भाई, ये सामान दूसरे का फेंक रहे हैं, मास्क नीचे, एक दूसरे को सुना रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे की मारे जा रहे हैं. मिस करते थे ना वो. और सब पाकिस्तानी जा रहे हैं, ये देखो पाकिस्तानियों को. अबे भाई तुम भी तो यही उर्दू में बता रहे हो. अनुषे आप यहाँ आई एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ TBH. हम हंसे भी मगर हमने काफी फिट बातें भी. थैंक यू. ठीक है. थैंक यू. और मैं बताना चाहता हूँ कि आप पहली गेस्ट हैं जो कुर्ता सलवार पहन के आए. हाँ आज तक कोई नहीं आया कुर्ता सलवार पहन के. कितना बड़ा इत्तेफाक है बासित. वाओ. आपका शो ही ऐसा ना कि वो देख के लोग कहते हैं कि मैं आज जींस पहन रहा हूं. इसका भी क्या मतलब है मुझे नहीं पता. क्या मतलब एक्सप्लेन करें. आपका शो ऐसा है कि उसे देख के मैं जींस पहन लूंगी. क्यों भाई. बर्गर बेबीज नहीं देखते इसे. बर्गर देखते हैं इसको. बर्गर भी देखते हैं. बहुत बर्गर्स देखते हैं. फिक्र नहीं करें, बर्गर्स में ही देखा जा रहा है ये. हर इलाके में देखा जा रहा हूँ मैं. ये नहीं हूँ, अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ नहीं होता बेटा ये. क्या बेटा क्या क्या नहीं होता हमारे यहाँ. नहीं अल्लाह माफ करे, उफल्ला तोबा तोबा. ये जींस नहीं पहनती लड़कियाँ. अल्लाह जींस उफल्ला उनकी तो जींस अल्लाह माफ करे. लेकिन मैं बताना ही चाहता कि पहली गेस्ट थी कुर्ता सलवार पहन के आई. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न ड्रेस है. हाँ, मगर एक कोइंसिडेंस मुझे पता नहीं बहुत डिफरेंट है. और यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. थैंक यू. आप खुद भी होस्ट हैं. थैंक यू. ऐसा लगा ही नहीं कि आप होस्ट हैं. मैं ही लगा होस्ट. थैंक यू भी कह रही हूं. हर गेस्ट की तरह आप भी इस शो को चार चांद लगा के जा रही हैं. थैंक यू. अब टोटल हमारे पास 17-18 चांद हो चुके हैं. हम जुपिटर लग रहे हैं. यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए हैं कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट.